हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में 2023 ग्यारहवीं रसायन विज्ञान का पेपर आ गया है। ये रियल पेपर है, 2023 का है, ठीक ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लवर्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें से आपको 95% तक का क्वेश्चन आपको आज आ सकते हैं इस क्वेश्चन से, इस पेपर से। फुल और हम फुल सोल्यूशन भी आपको कराने वाले हैं। समय न गवाते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम आपको आंसर भी करा देंगे, टेंशन आप लोग न लीजिए। तो चलिए, आप लोगों का ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ये एकदम बहुत रियल क्वेश्चन बहुत आ सकता है आपको। स्टार में दे रहा हूँ 100%। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वे भौतिक हो किसी विधि से भी प्राप्त किया जा सकते। ये क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोल क्या है? परमाणु इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। मोल ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिल जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर पे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी। ये मोल बहुत ही सरल है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, परमाणु संख्या किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, परमाणु संख्या किसे कहते हैं? दोस्तों अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या किसे कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। बहुत ईजी है, जल्दी सब लोग नोट कर लीजिए, ठीक ना। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संकरण के नियम लिखिए आप लोग, इसके भी नोट कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। बताया जा रहा है कि आप लोग इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा राइटिंग समझ में नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग 11th के स्टूडेंट हो, खुद ही समझ लोगे। तो 2 पॉइंट में दिया हुआ है आंसर। कक्षकों की संख्या ऑर्बिटल में मिश्र पुनः वितरण होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन का अच्छा संकरण के लिए ऑर्बिटल का पूर्ण होना आवश्यक नहीं होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मुझसे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 19, रासायनिक समीकरण को समझाइए। किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकों और सूत्रों को परमाणु संक्षेप में प्रकट करने की प्रक्रिया। तो जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, मैं आपको सीधा सीधा आंसर दिखाऊंगा, आप लोग लिखते चलिए वीडियो को पॉज करके, ओके, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डी ब्लॉक के तत्व की विशेषताएं लिखिए। डी ब्लॉक की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं, यह कुचालक यौगिक बनाने की प्रकृति रखती हैं, यह धातु से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती हैं। इन चौथा नंबर है, इनके गलनांक क्वथनांक अत्यधिक होते हैं। पाँचवा नंबर है, एक अंतरकाशीय यौगिक बनाती हैं। आप लोग समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप लोग बताया जा रहा, 17 नंबर क्वेश्चन, धातु एवं अधातु में अंतर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक ना। चलो हमारा नंबर देख लीजिए। समस्थानिक व संभारिक में परिभाषा देकर उदाहरण सहित आपको इसकी परिभाषा, संभारिक और समस्थानिक की परिभाषा बताना है, एक उदाहरण भी दे देना है, ठीक ना। जैसा कि परमाणु संख्या समान होती है किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, संभारिक कहलाता है। जैसा 13/17 Cl तथा 37/17 Cl, ठीक ना, ये संभारिक की अंगला है।
संभारी के लिख लीजिए, किसी तत्व में ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, संभारी कहलाती है। दोस्तों इसका एकदम अपोजिट आप लोगों को कर लेना है, ये तो आप लोगों को याद हो जाएगी, संभारी का अपोजिट होता है, ठीक ना। संभारिक का उल्टा समस्थानिक, समस्थानिक का उल्टा संभारिक। ओके चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगले पेज पर और इसका थोड़ा सा डिफिनेशन है, इसको भी आप लोग कर लीजिए, ठीक ना। आप लोग इसको भी पूरा कर लीजिए, वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक ना। सी और ठीक ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लवर क्लासेस। अभी हम लोग और क्वेश्चन रियल पेपर भी आप लोगों को प्रोवाइड, कल 7 बजे आप लोगों को रियल पेपर देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को रियल पेपर चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक ना। तो सलाम लिख लीजिए, ठीक ना। 15 नंबर के, जल की स्थिति या अस्थिति कठोरता का क्या कारण है। जल की स्थिति या अस्थिति कठोरता का निम्नलिखित कारण है। अस्थायी कठोरता, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट की अस्थिति के कारण होते हैं, जबकि स्थायी कठोरता, जल में विलयशील में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट के रूप में घुले रहने से होते हैं। अगला क्वेश्चन है कक्ष और कक्षक में, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर कर लीजिए, ठीक ना। कक्ष और कक्षक में अंतर, कक्ष कक्षक नाभिक के चारों ओर का वह स्पष्ट वृत्तीय पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं कक्ष कहलाते हैं। नाभिक के चारों ओर वह त्रिविमीय क्षेत्र में जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है कक्षक कहलाते हैं। समस्त कक्ष वृत्तकार होते हैं। लाइक सब्सक्राइब आप लोगों को कर ही लेना है। मैं क्या बताऊँ, मैं खुद ही 11वीं क्लास में पढ़ता हूँ, ठीक ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रियल पेपर हम आपको कल 7 बजे सुबह ज़रूर प्रोवाइड करा देंगे, ठीक ना। उसको आप लोग कर लीजिए। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको आप लोग ने नोट कर लिया होगा। विद्युत, 13वां क्वेश्चन है, विद्युत संयोजी की परिभाषा लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। विद्युत उत्तर, विद्युत संयोजी परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बंध बनाते हैं विद्युत संयोजी बंध कहलाते हैं। बहुत ही ईजी है, ठीक ना, इसको आप लोग याद कर लीजिए। जो जीवन में कुछ आगे करना चाहते हैं ना, वो लोग इस वीडियो को पढ़ लें, जीवन में अगर कुछ आगे करना चाहते हैं पास होना है तो वो लोग इस वीडियो को ना देखें। कल आपको 7 बजे रियल पेपर मिल जाएंगे, आप उसी को देख लीजिए। तो जिनको कुछ करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं, 12वां क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लुईस क्षार की परिभाषा लिखिए। लुईस क्षार का वह रासायनिक उत्तर, लुईस क्षार का वह रासायनिक प्रजाति है जिसका कक्षक भार हुआ हो और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन युग्म हो जो आबंध निर्माण में भाग ना ले रहा हो, किंतु ऐसे ही लुईस अम्ल के साथ डेरिवेटिव बंध बनाकर एक लुईस रक्त का निर्माण करते हैं, ठीक ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां वाला क्वेश्चन। 11वां, संक्रमण तत्व को परिभाषित कीजिए। परमाणु संख्या 21, 30, 29, 48, 57 और ये पूरा आप लोग कर लीजिए। चूंकि सभी तत्व धातु हैं इसलिए इनको संक्रमण धातु भी कहा जाए, इसलिए सब इन्हें संक्रमण धातु भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 9वां और 10वां दोनों यहाँ पास है। प्रोटॉन किसे कहते हैं। उत्तर, भौतिक विज्ञान में प्रोटॉन की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का बंडल कहा जाता है। यह प्रकाश की मूल इकाई भी है, इससे प्रकाश बनता है। बहुत ही अच्छी बात। 10वां क्वेश्चन है, विकर्ण संबंध किसे कहा जाता है। उत्तर, विकर्ण संबंध द्वितीय एवं तृतीय आवर्त का एक दूसरे के विकर्ण उपस्थित तत्व के गुणों में समानता होता है, अथवा विकर्ण
उपस्थित समान गुणों वाले तत्वों के मध्य पाए जाने वाला संबंध को विकर्ण संबंध कहा जाता है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रोवाइड कराए रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसे ज़रूर देखें, जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो ज़रूर देख लेंगे, ठीक ना। मैं भी 11th क्लास में पढ़ता हूँ, मैं भी इन्हीं से अपनी तैयारी करता हूँ। 8वां क्वेश्चन है, मोलरता किसे कहते हैं। किसी बिलियन में 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। मोल एम बिलियन का द्रव्यमान गुणे 1000 बिलिय का अणु अपॉन बिलिय का अणु इंटू बिलियन का मोल में आयतन। ठीक दोस्तों, आप लोग तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बहुत ही लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नई नोटिफिकेशन मिलती रहे आप लोगों को हमारे चैनल पर के द्वारा माध्यम से, ठीक ना। आप लोग इनको मैं लाइनिंग कर दे रहा हूँ, आप लोग इनको नोट कर लीजिए, पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर लाइनिंग करता हूँ। 7वां क्वेश्चन, ये देखिए अभी तो कर चुके हैं, ठीक है। एक बार और देख लीजिए आप लोग। अब आप लोगों को हम क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं, देख लीजिए। त्रैमासिक पेपर 2023 का रियल पेपर है। 95% इसी से क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग को। दोस्तों आप लोग एक ही किसी वीडियो के भरोसे मत रहिए, आप लोग मेरे इस वीडियो को देख लेंगे तो आप पेपर में ज़रूर मुझे याद करेंगे, ठीक। धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल।